पब्लिक है सर, हमको काम चाहिए विकास। तब जो मतलब आजादी से अभी तक जो नहीं कर पाए थे उसको इस गांव में कम से कम पूरा कर दिए शेखर जी। हमारा गांव में जे छे जदयू का सबसे पहले वोट मिले रहे, यानी बड़ा भर के दे रहे, फिर भी आज तक हमारा पंचायत में कोनो काम जदयू के द्वारा नहीं भले। ये मैटर में शेखर बाबू के बारे में कहब तो सुपर विकास कलक है, ऐसे पहले हमारा 50-55 बरस उम्र है, आज तक नहीं देखल कि विधायक या MP हमारा गाँव के तरफ देखल है। वो जो अल है रोड छे हुनके ही देल। नमस्कार, आप देख रहे हैं kositimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। विधायक जी का हिसाब किताब जानने के लिए इस वक्त हम मधेपुरा विधानसभा के भान टेक्ठी गांव पहुंचे हैं। यहां कुछ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं क्या नाम हुआ सर जी। हमारा नाम मल्लू पासवान। सर हमरा ये बताबू कि एत से विधायक दू बेर रहले प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, कतेक विकास कलक है और केहन ओकर कार्यकाल रहले जी। मैटर में शेखर बाबू के बारे में कहब तो सुपर विकास कलक है, ऐसे पहले हमरा के 50-55 बरस उम्र है, आज तक नहीं देखल कि विधायक या MP हमरा गाँव के तरफ देखल है। वो जो अल है रोड छे हुनके ही देल। दू दू गो रोड बनल छे हमरा गाँव में और गाँव से गाँव जो जोड़लक है बेचारा, ये खेत खलिहान बाध बन गाँव घर सकठे से अवगत राखे छे, सबसे मुलाकात करे छे और समस्या का निदान करे छे। और देखियो कि हमर चबूतरा बनले आगू में जेबे तो चबूतरा भी छे, लेकिन जत्ते भी जे कठिनाई आवे छे शेखर बाबू दूर करे छे। ए लगा को ऋणी छे हमरा को उनका वोट देबे, और हमरा दोसर कैंडिडेट अगर हेते हमरा गाम के लोग वोट ओकरा नहीं देते। क्या नाम है? हमर नाम नरेश राम भेल। अच्छा सर बताऊ कि दू टर्म विधायक रह चुकले प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, इन्हीं कह रहा खूब विकास कलक अहाँ के की लगे? देखियो हमारा गाँव में जे छे जदयू का सबसे पहले वोट मिले रहे, यानी बड़ा भर के दे रहे, फिर भी आज तक हमारा पंचायत में कोनो काम जदयू के द्वारा नहीं भले। इस वर्ष में सड़क के तो कहियो जाले बिछा दलक है, जकर की आज तक नाम नहीं ला सके छे। एते बड़ बीमारी हैंड सेंड पाते से जे छे पटना पहुँचे जे छे तो ओकरा राख के खिलेना पिलेना इलाज करबेना, ई हमर प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू के देन छे। तो हमरा आर के ई जे छे कोई भी कैंडिडेट किया न खड़ा हुआ, हमरा आर के चाहिए तो चंद्रशेखर बाबू, हमरा आर के लिए बुझलिया। अच्छा एक बात बताइए कि और जगह कई जगह हम गए हैं वहाँ उनका विरोध भी होता है, ऐसा क्यों? देखियो पार्टी पॉलिटिक्स तो सब जगह है छे ना। अच्छा। तो जे जे पार्टी के लोग रहे छे ओकरा कहे है, तो मगर हमरा आर के जे छे सब दिना जदयू के खाँटी लोग रहिए, हमरा गांव में विकास के नाम पर गंगा बहा दल के विरोध है बुझ लिया, गंगा बहा दल के। तो ऐ ला के हमरा आर के चाहिए चंद्रशेखर बाबू। की नाम भेल चाचा? मनोज मंडल। अच्छा ये बताबू दू बेर विधायक ले प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, अहाँ के गाँव में की सब विकास? विकास तो बढ़िया कर लगे कि जना कुछ बताबू। रोड आर के विकास कर लगे या? अच्छा या सब विकास एबेर अहाँ के गांव के जनता के की मूड छे? मूड छे चंद्रशेखर बाबू के मूड देखे चंद्रशेखर बाबू। कुछ लोगों से और हम बातचीत करना चाहेंगे, इधर यहाँ दुकान है और हम जहाँ पर खड़े हैं यह भान टेक्ठी गाँव बताया जा रहा है, मधेपुरा विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, और विधायक जी का हिसाब किताब जानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यदेव मंडल। अच्छा ये बताइए कि सदैव मंडल हुए, कौन मंडल हुए आप जी? केवट। अच्छा केवट हुए, तो आप लोग तो नीतीश के वोटर? जी हाँ, हम लोग तो खांटी पहले नीतीश के वोटर थे। अच्छा। लेकिन 10 साल के अंतराल अंदर विधायक जी जो चंद्रशेखर बाबू आए हैं, तब तो मान लीजिए हम लोगों का विकास से विकास हो रहा है। कोई आपसी भी कोई झगड़ा झाँटी होता है पारिवारिक भी, तो उसमें भी उनको बुला लेते हैं, सामंजस्य कर देता है, इसलिए हम लोग चंद्रशेखर बाबू के साथ रहेंगे। अच्छा, तो नीतीश को छोड़ के आप लोग चंद्रशेखर जी के साथ रहेंगे? तो इस बार क्या लगता है चुनाव में? इस बार तो हम लोग पूरे समर्थन दे रहे हैं भवन पंचायत से। पूरे पूरे पंचायत से एक स्वर में समर्थन दे रहे हैं उनको। चौन गांव में कहा जा रहा है कि 10 सालों में विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछाया गया है, और वाकई जिस क्षेत्र में हम गए थे वहाँ की सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर थी। हम कहेंगे कि हमारे सहयोगी आप इस सड़क को दिखा दीजिए। ये सड़क NH 107 से निकल करके भवन गांव आई है। लोगों का कहना है कि इस तरह की कई सड़कें गांव में बनाई गई हैं, और
इसी तरह के कई विकास कार्य हैं, हर समाज हर वर्ग के लोगों के लिए वो विकास करते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो पटना में अपने आवास पर रखकर उनका इलाज भी और रहने खाने का बंदोबस्त भी करते हैं। माता जी खुशबू देवी। अच्छा माता जी बताइए कि यहाँ से विधायक हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी जी कितना काम करते हैं? बहुत काम किए, सरकार के बारे में बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा। चंद्रशेखर साहब बहुत अच्छा काम किए। अच्छा तो मिलने उनले आते हैं गांव में? जी हाँ बराबर आते हैं। हाँ बराबर आते हैं। तो इस बार फिर चुनाव आने वाला है तो चुनाव दबे वोट हमारा का उकरे दबे चंद्रशेखर के। तो क्या नाम हुआ? छजनी देव। अच्छा माता जी प्रोफेसर चंद्रशेखर के चिन्ह छिए? हाँ। विधायक छी दू बेर रहले। हाँ। कते काम कलके फिर इलेक्शन आबि रहल छै? बढ़िया काम कलके। बढ़िया काम कलके तो एबेर फिर इलेक्शन में हुनका चुनल जेतै? चुनल जेतै नै तऽ। विधायक जी का हिसाब किताब जान रहे हैं। इस वक्त मधेपुरा विधानसभा के भवन टेक्टी गाँव में है। यहाँ चौकी पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि इनसे भी इनकी राय जान लेते हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र में विधायक जी का क्या हिसाब किताब है। क्या नाम है? राजेंद्र यादव। अच्छा यादव हैं। अच्छा आपके विधायक भी यादव? कितना काम किए हैं? 10 साल हो गए। 10 साल में तक जो मतलब आज़ादी से अभी तक जो नहीं कर पाए थे उसको इस गाँव में कम से कम पूरा कर दिए शेखर यादव। अच्छा इस गाँव में आज़ादी से आज तक जब हम लोगों की माँ बहने बच्चा प्रिय प्रिय में जाती थी मधेपुरा तो रास्ते में बच्चा हो जाता था। आज क्षेत्र का लोग इसी गांव होकर के जाते हैं, उसका एक ही कारण है शेखर यादव। अच्छा तो इस बार फिर चुनाव आने वाला है, क्या लगता है इस बार? क्या लगता है? हम लोग तो चाहे इनको टिकट नहीं दे, इंडिपेंडेंट खड़ा होंगे तो शेखर यादव को ही वोट देंगे हम लोग, चूँकि हम लोगों को काम किया। कुछ लोग तो विरोध भी करते हैं। करने दीजिए, तो देखिए ये किसी का मतलब चोरी करेगा इसको जाएगा दौड़ के कि हमको फिर भी कर दो, जेल से निकाल दो, ऐसा विधायक ये नहीं है। साफ छवि? हाँ साफ छवि के हैं। क्षेत्र में काम करेंगे लेकिन आपका निजी काम, गाय नहीं चरा देंगे, भैंस नहीं चरा देंगे, हल नहीं जोत देंगे। आ चोरी करेंगे डीलर यहाँ का बेईमानी करेगा, कहेगा जाके हमको बचा दीजिए, वैसा काम करने वाले शेखर यादव नहीं। अच्छा एक गांव में समस्या बताइए क्या क्या है, अगर आप इस बार फिर विधायक जी जीतेंगे तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या क्या होना चाहिए? जो मतलब जनरल काम है वो करते हैं, निजी काम हम चोरी करके आएंगे। जहां भी अभी सभा लगाते हैं शेखर जी स्पष्ट वे में कहते हैं कि जो बीमार है 15 दिन तक पेट खराब है ठीक नहीं हो रहा चलो पटना हमारे साथ, 1 महीना बुखार लग गया नहीं ठीक हो रहा चलो हमारे साथ पटना, हम ठीक करा के निःशुल्क भेजेंगे लेकिन यहाँ अलूल जलूल खर्च मत करो। अच्छा तो और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या नाम? छोटेलाल मंडल। छोटेलाल मंडल कौन मंडल? मंडल है मंडल। कौन मंडल है? ये यादव वाला मंडल है कि भानु है? ओरिजिनल मंडल है। ओरिजिनल किसको बोलते हैं? केवट। अच्छा केवट। अच्छा ये बताइए कि यहाँ विधायक जी हैं, आपका घर मधेपुरा विधानसभा में पड़ता है जी? इसी गांव में? इसी गांव पंचायत की है भांटे। अच्छा एक ही पंचायत। कितना विकास किए हैं विधायक जी? जितना अभी देख रहे हैं चंद्रशेखर बाबू का किया हुआ है, अब जो होने वाला है बाकी जो है जैसे वो रोड का जो जर्जर हालत है वो भी विधायक साहब इसी अगले माह से शुरू करेगा बनाने के लिए। विकास में कमी नहीं है सर, कमी में कमी जो अभी सरकार जो है वर्तमान में 7 निश्चय योजना जो चलाया है, जब हम उनके प्रति जब हम आवेदन लगाए तो ये लफवा गुंडा सब बोला कि एक तो आँख बचले है वो आँख निकालेंगे। अच्छा चलिए हुजूर जब आप सामने में आए हैं तो बगले में है टैक्सी इस चौड़े पर जहाँ से हम लोग भान आते हैं, भान से टैक्सी जाते हैं। अच्छा 7 निश्चय योजना कागजी प्रक्रिया सर ओके है सरकार बाबू का। अच्छा लेकिन धरातल पर पहुँच करके आप देखिए हम इसी के लिए हम बोल आए हैं। अच्छा तो नीतीश जी से शिकायत है, विधायक जी से आपको नहीं? जी नहीं विधायक जी हम आगे सर, हमको काम चाहिए, विकास चाहिए। यहाँ विभिन्न जाति के लोग हैं और सबों में एक प्रकार से विधायक जी के प्रति संतुष्टि देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार से तो शिकायत है लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं राजद से हैं,
तो इसलिए विधायक जी से इन्हें कोई शिकायत नहीं है। अगर इनकी सरकार रहती तो और बेहतर विकास हो सकता था, क्योंकि इस क्षेत्र में अकेले राजद के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। हालांकि उनका कहीं विरोध हो रहा है तो इस गांव में उनके काफ़ी समर्थक देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल आप देखते रहिए कोसी टाइम्स। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।